हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप और बेहतर तरह से चीज़ों को समझना चाहते हैं और रियली इंग्लिश के सेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप एक एक करके लेक्चर को देखिए और उसके बाद जिस सीरीज में लेक्चर आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं उसको एक एक करके देखिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की उसमें जो हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट था, उसमें मैंने दो तरह का सेंस आके डेवलप किया। एक चीज़ मैंने फर्स्ट बताया आपको कि आप कोई ना कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप किसी काम को करते हैं, यानी कोई भी काम आपके जीवन का हिस्सा है, कोई भी काम आपके लाइफ का पार्ट है, तो क्या आपने अपने बीते हुए समय में उस काम को किया था। तो आप प्रेजेंट और पास्ट समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर को समझते हैं, जो भी आने वाला समय होता है वो सब फ्यूचर होता है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आप इस वीडियो में आज आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए फ्यूचर ही है। तो चाहे हम 15 मिनट बाद की बात करें, 1 घंटे बाद की बात करें, 2 दिन बाद की बात करें, या हफ्ते, महीने, साल और कई सालों की बात करें, सभी आपके लिए फ्यूचर होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि फ्यूचर में किसका उपयोग करते हैं, कोई आइडिया है? हाँ बिल्कुल, बताइए। तो क्या कह रहे हैं, विल एंड शैल। वेरी गुड, मान लिया मैं भी। विल का प्रयोग करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि विल का प्रयोग कहाँ करते हैं और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ सोचिए, और इतने साल ग्रामर आप पढ़े हैं, इतना तो पता ही होगा कि विल का प्रयोग कहाँ करते हैं और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं। अच्छा, तो ओके, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही, शी और दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। क्यों, ये कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा, कुछ लोग इसमें एक और टर्म्स ऐड करना चाह रहे हो कि सर, जब किसी को बहुत कंपल्सरी में कहना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपोजिट कर देते हैं, यानी आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। कब तक इस तरह की किताबी नियम की बात करते रहेंगे? तो अब आप कहीं पर भी देखते हैं तो इजली सेंटेंस आप पाएंगे कि आई और वी के साथ भी लोग विल का प्रयोग ही करते रहते हैं। आप कहीं भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, आप कहीं लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए, आप हमेशा पाएंगे कि लोग विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस ट्रेडिशनल वे में या किताबों के थ्रू आप ग्रामर पढ़ते चले आ रहे हैं, वो चीज़ें न जाने कब की आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो अब अगर हम एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप पाएंगे कि इंग्लिश में हम कभी भी फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप चाहे आई का प्रयोग करिए, यू का प्रयोग करिए, ही का प्रयोग करिए, शी का प्रयोग करिए, दे का प्रयोग करिए, किसी भी चीज़ का प्रयोग करिए, आप हर जगह किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में शैल का प्रयोग होता नहीं है, बट जिस तरह से अब आप देखेंगे कि इंग्लिश में शैल का प्रयोग होता है, उसका सेंस अलग होता है। तो चलिए पहले मैं छोटी सी बात आपको शैल को लेकर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग विल पर आएंगे। तो जब भी कभी आपको किसी भी काम के लिए किसी से परमिशन लेना होता है, तो वहाँ पर आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से जो अमेरिकन पीपल होते हैं, वो जब किसी काम के लिए परमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ शैल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी अपनी क्लास में एंट्री करते हैं या आप किसी के ऑफिस में एंट्री करते हैं, तो आप देखते हैं कि एंट्री करने से पहले आप एक परमिशन लेते हैं। क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हैं मी आई कम इन। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। ठीक है, तो अब आप जैसे बोलते हैं मे आई कम इन, इसका सेंस क्या होता है कि आप सामने वाले से अंदर जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर शैल का प्रयोग करके भी परमिशन ले सकते हैं, और आप क्या बोलेंगे? शैल आई कम इन। ओके, एक बार फिर से बोलिए, शैल आई कम इन। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपको कभी भी लगता है कि किसी भी काम के लिए आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप तो अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं और आपको उसके मोबाइल पे कुछ देखना है, आप उसका मोबाइल लेना चाह रहे हैं, तो क्या अचानक आप उसके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे? नहीं ना, आप उससे मांगेंगे। अगर आप उससे मांगेंगे तो शायद बोलेंगे, यानी परमिशन लेंगे, और परमिशन लेंगे तो सब लोग करेंगे शैल का। तो क्या करेगा? शैल आई यूज योर मोबाइल। क्या बोलेंगे? Shall I use your mobile? Okay?
या इसी तरह अगर आप किसी से कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप जानते हैं किसी से भी पर्सनल क्वेश्चन करने के लिए एक मैनर होता है, एक तरीका होता है कि पहले हम उसे परमिशन लेते हैं। तो आप ही बोल सकते हैं शैल आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो किसी की भी पर्सनल चीज़ों को जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी से कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, या तो कहीं भी जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी काम के लिए लोगों से परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप शैल का उपयोग कर सकते हैं। आप सपोज़ करिए कि जब क्लासेस चल रही हैं आपकी, आप स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, कॉलेज में हैं, और आप अपने क्लासरूम में हैं, और उस दौरान आप रनिंग क्लास के बीच से बाहर जाना चाहते हैं क्लास से, तो क्या आप डायरेक्ट उठते हैं और चले जाते हैं? नहीं ना, परमिशन लेते हैं ना। अगर परमिशन लेते हैं तो कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शैल आई गो आउट, क्या बोलेंगे? शैल आई गो आउट। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक फॉर्मूले में देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना होगा, शैल का प्रयोग करिए, आई का प्रयोग करिए, और इसके साथ यूज कर लीजिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो जिस भी काम के लिए आपको परमिशन लेना हो, आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ओके। शैल आई गो अहेड, क्लास को आगे बढ़ाई जाए, परमिशन है आपकी तरफ से, इजाजत दे रहे हैं मुझे, चलिए ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने जैसे बात किया कि शैल का प्रयोग देखा, चलिए अब हम लोग विल को देखते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या कल आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे? देखेंगे ओके, कैसे बोलेंगे देखेंगे? आई, हाँ मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर के सेंस में हम बात करते हैं, तो आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, किसी के लिए भी हम बात करते हैं तो विल का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई विल, और हम यूज कर लेंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा विल के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब आपको अगर बताना हुआ कि कल आपकी वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आई विल वॉच योर वीडियो टुमारो। फिर से बोल दीजिए, आई विल वॉच योर वीडियो, हाँ, और आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, बीता हुआ जो कल होता है उसे यस्टरडे बोलते हैं, और आने वाला जो कल होता है उसे क्या बोलते हैं? टुमारो। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आप लोग परसों मेरे वीडियो को देखेंगे? परसों, परसों को क्या बोलते हैं? जैसे बीता हुआ परसों था, यानी कल से एक दिन पहले, द डे बिफोर यस्टरडे, वैसे जब हम आने वाले परसों की बात करते हैं, यानी कल के एक दिन बाद, द डे आफ्टर टुमारो, क्या बोलेंगे? द डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप लोग परसों मेरा वीडियो देखेंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ देखेंगे, तो क्या बोलेंगे? यस आई विल वॉच योर वीडियो द डे आफ्टर टुमारो, वेरी गुड। एक बार बोल दीजिए, आई विल वॉच योर वीडियो द डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो मुझे ये होता है कल आप लोग कॉलेज जाएंगे? जाएंगे कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो बंद ही चल रहा है, नहीं जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे? नो आई, मना करना है, मैंने बताया था मना करने के लिए हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, बट ये भी बताया था नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फिर से एक बार बोल दीजिए, आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो आई विल नॉट गो टू कॉलेज द डे आफ्टर टुमारो, वेरी गुड। एक बार बोल दीजिए, नो आई विल नॉट गो टू कॉलेज द डे आफ्टर टुमारो, ओके। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये चीज़ इंग्लिश में पूछना चाहूँ तो क्या करेंगे आप? तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने बताया था नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर देते हैं, और यहाँ पर नॉट के साथ आने वाला वो खास वर्ड क्या है? विल। क्वेश्चन किससे करते हैं? हमेशा सामने वाले से। सामने वाला कौन होता है? आप भी थे, यू, और हम बात करेंगे किसी न किसी काम के बारे में, काम यानी एक्शन, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हमारा पास्ट बहुत लंबा होता है, उसी तरह से हमारा फ्यूचर भी बहुत लंबा होता है। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछता कि आप लोग कॉलेज जाएंगे, तो शायद आप भी मुझसे पूछते सर कब, कल, परसों, दो दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, कब? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि कब के लिए पूछा जा रहा है,
तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि आप कॉलेज जाएंगे या नहीं जाएंगे ना? तो इसलिए समय लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात समझ में? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आप आंसर देने का प्रयास करिएगा और बेहतर प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा। विल यू वॉच मूवी इन हॉल नेक्स्ट मंथ? क्या लगता है, देखेंगे? अरे बिल्कुल मत देखिएगा। अगर हॉल खुल भी जाता है तो कुछ दिन के लिए अपनी इच्छाओं को दबाए रखिए और सेफ रहिए, ठीक है? तो आप भी हो सकता है मना करें, नो सर आई विल नॉट वॉच मूवी इन हॉल नेक्स्ट मंथ। ओके, विल यू गिव एनी एग्जाम नेक्स्ट मंथ? अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका कोई एग्जाम है या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मुझे आंसर बताइए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका कोई एग्जाम है तो आप ये बताइए यस आई विल गिव एग्जाम नेक्स्ट मंथ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है तो आप ये बताइए नो आई विल नॉट गिव एग्जाम नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैंने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया है कि आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, किसी के लिए भी हम बात करते हैं तो विल का ही प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग किसी और के लिए बात करना चाहें तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विल ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म जो समय लगाना होगा लगा देंगे। जैसे विल योर ब्रदर वॉच दिस वीडियो आफ्टर टू आवर्स? अगर आपको लगता है कि हाँ दो घंटे बाद आपका भाई भी इस वीडियो को देखेगा तो शायद आप भी बताएंगे ही विल वॉच दिस वीडियो आफ्टर टू आवर्स। अगर आपको लगता है कि नहीं वो नहीं देखेगा तो आप बताएंगे नो ही विल नॉट वॉच दिस वीडियो आफ्टर टू आवर्स। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक छोटी सी बात समझ आएगी। ओके, सो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए विल यू गेट गवर्नमेंट जॉब इन फ्यूचर? क्या लगता है आपको, मिलेगा? श्योर है फ्रेंड्स? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देते हैं, जैसे सपोज करिए अगर मैंने आपसे कहा विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म और आपने कहा यस आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म या नो आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो पहले मैं इसका मतलब समझ लेते हैं। मैंने आपसे पूछा विल यू गेट गवर्नमेंट जॉब इन फ्यूचर और अगर आपने कहा यस आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 100% श्योर हैं, आप 100% श्योर हैं, यानी डैम श्योर है कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है ना। अगर आप कितने भी अच्छे हो पढ़ लेंगे और आप कितना भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो फिर भी जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती तब तक आप इसकी 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत सी बार क्या होता है, भविष्य में संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कोई काम हमने पास्ट में किया या नहीं किया ये हमको बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि वो समय ऑलरेडी बीत चुका होता है। कोई काम हम करते हैं या नहीं करते ये भी हमें पता होता है क्योंकि वो काम हमारे जीवन का हिस्सा होता है। मैं आपसे पूछूं आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है कि आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, इसलिए आप बहुत आसानी से मुझे आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कल आपने मूवी देखा था, वो समय बीत चुका है इसलिए आपको पता है कि आपने देखा था या नहीं देखा था, इसलिए आप मुझे आंसर हाँ या ना भी बहुत आसान से दे सकते हैं। बट अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो नो वन हैज सीन फ्यूचर, भविष्य किसी ने नहीं देखा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को लेकर प्लान करते हैं बट वो काम होता नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं फ्यूचर में संभावनाएं व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जब हम भविष्य की संभावनाओं की बात करते हैं तो वो भी दो तरह की होती है। एक जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2 महीने बाद आप कॉलेज जाएंगे, आप मुझसे कहेंगे अगर खुल जाएगा तो जाएंगे ही, अगर खुल जाएगा तो जाएंगे, यानी आप 100% श्योर तो नहीं ना कि आप जाएंगे, खुलता है तो जाएंगे, नहीं देखा जाएगा। और आप इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि 2 महीने बाद बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 2 महीनों की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, तो अगर गवर्नमेंट खोल भी देती है तो शायद मैं ना जाऊँ। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जो आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं वो भी दो तरह की है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं आपके काम करने की और एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें काम करने की संभावना बहुत ही कम बनती है। तो ध्यान रखिएगा जब हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मे का और
माइट का, इसका प्रयोग करेंगे मे का और माइट का, जहां आपको किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है, जहां आपकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं वहां मे का प्रयोग करिए, और जहां आपकी संभावनाएं बहुत कम है वहां माइट का प्रयोग करिए। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ काफी हद तक आपको उम्मीद है कि 2 महीने बाद आप कॉलेज जाएंगे, तो आप भी बताइए I may go to college after 2 months। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप कॉलेज जाएं, तो आप ऐसे में क्या बोलेंगे, I might action postpone। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमारे किसी भी सवाल का 4 तरह से जवाब हो सकता है। एक, आप 100% श्योर हैं कि आप काम को करेंगे। दूसरा, आप 100% श्योर हैं कि आप काम को नहीं करेंगे। इसके अलावा एक आंसर होगा कि आप काफ़ी हद तक श्योर हैं, यानी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आप किसी काम को करेंगे। और एक ऐसा भी होगा जहां आपको बहुत ही कम उम्मीद है। तो जब हम संभावना की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट में ही किसी काम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ऐसी जगहों के लिए ही आप फ्यूचर में मे या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा, विल यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो टुमारो, और आपने कहा यस सर आई विल वॉच योर नेक्स्ट वीडियो टुमारो, क्योंकि आप डेली वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और डेली टाइम टू टाइम आप इसको देख रहे हैं, तो आप भी पूरी तरह से श्योर हैं कि कल आप वीडियो को देखेंगे। मेरी तरफ से ना अपलोड करना वो एक्सेप्शनल केस हो गया। तो भविष्य की असंभावनाओं को ध्यान में रखकर आप कभी भी अपने प्रेजेंट के सेंस को चेंज नहीं करते हैं। आप वहीं पर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी शो करने की बात करते हैं जहां आप प्रेजेंट में ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने 2 महीने बाद की बात की कि आप कॉलेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 2 महीने बाद अब कॉलेज की क्या स्थिति होती है, देश में क्या माहौल बनता है, उस समय आप निर्धारण करेंगे, तो अभी आप नहीं कह सकते हैं क्लियरली। इसीलिए अगर आप अपनी तरफ से गेस कर रहे हैं, आपको उम्मीद लग रहा है कि काफ़ी हद तक चांसेस आपके जाने के, तो आपने क्या कह दिया, आई मे गो टू कॉलेज आफ्टर 2 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि बहुत ही कम चांसेस आपके जाने के, क्योंकि अगर खुल भी जाएगा तो भी आप अवॉइड करेंगे जाने से, तो आई माइट गो टू कॉलेज आफ्टर 2 मंथ्स। इसके साथ साथ ज़्यादातर जब हम कन्फ्यूज़न की बात करते हैं फ्यूचर में काम के होने या ना होने के सेंस में, तो वो बात आती है ही की। मैंने अभी आपसे पूछा था कि विल योर ब्रदर वॉच दिस वीडियो आफ्टर 2 आवर्स। अगर मान लेते हैं कि आपका भाई भी इस यूट्यूब चैनल का रेगुलर यूज़र है और वो डेली वीडियो को देखते हैं, तो 2 घंटे बाद ही वो देखेंगे या नहीं देखेंगे आप कैसे बता सकते हैं? और उम्मीद तो है कि अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद वो भी देख लेंगे, तो शायद आप भी बताएंगे ही मे वॉच दिस वीडियो आफ्टर 2 आवर्स। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल है, वो डेली की डेली नहीं देखता है, तो मुझे नहीं लगता 2 घंटे बाद जाके वीडियो देखेगा, तो आप भी बताएंगे ही माइट वॉच दिस वीडियो आफ्टर 2 आवर्स। ओके, थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ कन्फ्यूजिंग है, आप इसको बेहतर तरह से समझने की कोशिश करिए और नेचुरल सेंस में अडॉप्ट करिए, इसको रटने की कोशिश मत करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी काम को लेकर के अगर आप फ्यूचर में 100% श्योरिटी बनाते हैं, आपने डिसीजन बना लिया है कि आप ऐसा करेंगे, तो आप सीधे बताइए आई विल एक्शन फर्स्ट हूँ। या किसी और के लिए भी आपके पास जानकारी है कि वो इस काम को करेगा, तो आप भी बताइए ही विल एक्शन फर्स्ट हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस काम को नहीं करेंगे, तो भी आप श्योर ही हैं काम को नहीं करेंगे, तो बता दिए आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट हूँ। ओके, और इसी तरह किसी और के लिए हम बात करें, मान लीजिए मैंने यही चीज़ कहा कि आपसे कि विल योर ब्रदर वॉच दिस वीडियो आफ्टर 2 आवर्स। अब आप जानते हो कि आपका कोई भाई इस वीडियो को देखता ही नहीं, तो आप डायरेक्टली करेंगे नो ही विल नॉट वॉच दिस वीडियो आफ्टर 2 आवर्स। लेकिन जहां पर आप कंफ्यूज हैं, आप खुद ही एक अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर आप संभावना करते हैं। ज़्यादा संभावना होगी तो मे का प्रयोग करिए, और कम संभावना होगी तो माइट का प्रयोग करिए। ये आपके सेंस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि मे और माइट से कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमेशा हम दिल से ही करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि मे आई कमिंग, तो ध्यान रखिएगा वो मे दूसरा मे है, आपको शकल एक जैसी दिखाई दे रही है पर दोनों का जो नेचर है काफ़ी डिफरेंट है, तो वो एक अलग सेंस में मे का प्रयोग किया गया था, जिसको मैं आगे की क्लास में आपको बताऊँगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको विल से क्वेश्चन करना है, और कभी भी एक सेंटेंस में 2 चीज़ों का प्रयोग मत करिएगा, विच मीन्स जैसे आई विल भी मत लगा दीजिएगा, आई विल माइट मत लगा दीजिएगा, एक बार में आपका एक ही सेंटेंस बनेगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बेहतर तरह समझ में आई होगी। आज आपने कई ग्रामर का यूज़ देखा, शैल का प्रयोग किया जिसका हम लोग परमिशन लेने के सेंस में यूज़ करते हैं,
इसके साथ साथ आपने विल को देखा, जिसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, फ्यूचर में किसी काम को करने की स्थिति में बोल सकते हैं, ना करने की स्थिति में भी बोल सकते हैं। और कभी भी जब हम फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हों, क्लियर ओपिनियन ना दे पाए अपना, तो ऐसी स्थिति में जहाँ काफ़ी हद तक चांसेस है काम को करने का, वहाँ मे का प्रयोग कर लेते हैं, और जहाँ चांसेस बहुत कम होता है वहाँ माइट का प्रयोग करते हैं। तो मैं एक लास्ट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन की एक्सरसाइज करेंगे, और लास्ट में आपको फिर से मैं जैसे डेली वो कैब देता हूँ उस तरह से वो कैब दूंगा प्रैक्टिस करने। तो ये बताइए कि आप इस यूट्यूब वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, और इसको सीखने के बाद आपको क्या लग रहा है, विल यू स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्यूचर? अगर आपको लगता है, आप डैम श्योर हैं कि हाँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, आप घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में बोलने से हेजिटेट भी नहीं हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कहेंगे यस सर आई विल स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्यूचर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं देख ही नहीं रहा हूँ, या मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, या जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ मेरे समझ से बाहर जा रहा है सारी चीज़ें, और आप पूरी तरह से हार चुके हैं, तो आप ही बोलेंगे नो आई विल नॉट स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन वाली स्थिति में, हाँ सर पढ़ तो रहे हैं, समझ में तो आ रहा है, देखिए बोल पाते नहीं बोल पाते हैं, फिर भी उम्मीद तो है कि बोल लेंगे, कि जिस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे लगता है कि बोल लेंगे। तो जैसे आप कहते हैं कि हो सकता है मैं बोल लूँ, या उम्मीद तो है कि मैं बोल लूँ, क्या हो जाएगा आई मे स्पीक इंग्लिश इन फ्यूचर। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ही मुश्किल है, शायद ही मैं इंग्लिश बोलूँ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, आई माइट स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्यूचर। आपने देखा होगा अक्सर जब हम फ्यूचर के सेंटेंस बोलते हैं, कहते ना शायद मैं ऐसा करूँ, और दूसरा शायद ही मैं ऐसा करूँ। तो जहाँ आप शायद मैं ऐसा करूँ बात करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आई मे एक्शन फर्स्ट वन। और जहाँ पर आप कहते हैं शायद ही मैं ऐसा करूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पर हो जाएगा आई माइट एक्शन फर्स्ट वन। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो फ्रॉम माई साइड लेट इट बी ओवर, बट द वीडियो विल बी कंटिन्यू, सो एंजॉय दैट वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। Will you copy an exam? I will not copy an exam. I will give my exam honestly. Will your parents wear new clothes on your birthday? My parents may wear new clothes on my birthday, but I will wear new clothes on my birthday. Will you speak confidently after learning English? Yes, I will speak confidently after learning English. Will you subscribe English newspaper from next month? Yes, I will subscribe English newspaper from next month. Will your father purchase gold coin on Diwali? No, my father will not purchase gold coin, but my mother may purchase gold coin on Diwali. Will you remove stage phobia after facing audience? I may remove stage phobia after facing audience. Will you accept new business proposal? I may accept new business proposal. Will you inaugurate new factory this year? I might inaugurate new factory this year, but next year definitely I will inaugurate my new factory. Will you lend money to your friend in his emergency? Yes, I will lend money to my friend in his emergency, but he might lend me money in my emergency. Will your friend book movie ticket on this Sunday?
माई फ्रेंड माइट बुक मूवी टिकट ऑन दिस संडे बट आई विल बुक मूवी टिकट ऑन दिस संडे. विल यू टर्न डाउन योर बॉस प्रपोजल. नो आई विल नॉट टर्न डाउन माई बॉस प्रपोजल बट माई कलीग माइट टर्न डाउन बॉस प्रपोजल. लेट्स हैव सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस. विल योर ब्रदर prepare for civil exam? Will you make plan for picnic next week? Will you join gym from tomorrow? Will your brother learn playing guitar? Will you write English grammar book in future? Will you hide truth to your parents? Will you lead your team from front? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आज के एक्सरसाइज के लिए कुछ एक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज क्लाइंब ऑन ट्री, पेड़ पर चढ़ना. कीप हैंकी इन पॉकेट, आप जानते हैं हैंकी मतलब रुमाल, तो जेब में रुमाल रखना. लिसन म्यूजिक, म्यूजिक सुनना. Appreciate friends' effort. Appreciate friends' effort मतलब होता है दोस्तों के प्रयासों का कद्र करना. Make noise in class, यहाँ पर स्पेलिंग में ध्यान दे दीजिएगा, N के बाद O रहेगा जो मिस हो गया है, NOISE. Make noise in class, क्लास में शोर मचाना. Chat online in class, क्लास में चैटिंग करना. Break miles rules, मैंने बताया था माइल इंस्टीट्यूट का नाम है और यहाँ के नियमों को तोड़ना. Avoid फ्रेंड्स कंपनी, दोस्तों की संगति को नज़रअंदाज करना. टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का ख्याल रखना. लुक आफ्टर यंगर्स, छोटों का ध्यान रखना. मेक रूम टैडी, मेक रूम टैडी मतलब कमरे को व्यवस्थित करना. एक एक्शन मैंने पीछे बताया था डू अप द रूम, सेम सेंस है. किल रैट, किल रैट जानते हैं चूहे मारना. बुक मूवी टिकट, मूवी की टिकट बुक करना. किल टाइम, समय बर्बाद करना. टर्न डाउन टीचर्स सजेशन, यानी टर्न डाउन मतलब होता है किसी को ठुकरा देना, मना कर देना, तो टीचर्स की सलाह को ना मानना. स्पीक एट पोडियम कॉन्फिडेंटली, विच मीन्स कि अगर आप स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोल सकें. प्ले गिटार, प्ले गिटार मतलब गिटार खेलना. ओके सो थैंक यू.